नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल यूनिक सी रेसिपी जिसका ना तो आपने कभी नाम सुना होगा और ना कभी आपने आज तक बनाई होगी। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में चाइनीज राइस। तो है ना नई डिश, बनाने में बहुत इजी है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है, एक बार ज़रूर बना कर देखें। तो आइए शुरू करते हैं कुकिंग प्रोसेस। यहाँ पे हमने 2 कप चावल लिया है। चावल को अच्छे से वाश करके कम से कम इसे 1 घंटे के लिए पानी में भिगा दें। अब हमको लगेंगे कुछ डाइस्ड वेजिटेबल, जिसमें मैंने लिया है कलरफुल कैप्सिकम, बेबी कॉर्न, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैरेट, बीन्स एंड ऑनियन। कुछ चॉप वेजिटेबल्स जिसमें है अदरक, लहसुन और स्प्रिंग ऑनियन। वेजिटेबल्स जो भी आपको अच्छे लगे आप वो ले सकते हैं। आधा पतीला पानी लें, उसमें 5 चम्मच नमक मिला लें और उसे बॉयल कर लें। एक पैन लें, उसमें 4 टेबल स्पून तेल का ले लें और उसे अच्छे से गर्म कर लें। अब इसमें मिलाएंगे चॉप की हुई लहसुन, थोड़ा सा सौते कर लेंगे, चॉप की हुई अदरक और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिलाएंगे इसमें डाइस्ड ऑनियन, थोड़ा सौते करेंगे और बाकी की जितनी भी सब्जियां हमने काट के रखी हुई हैं वो सब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को बस थोड़ी देर ही सौते करें, इन्हें हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। अब मिलाएंगे इसमें हम 8 टेबल स्पून सोया सॉस, 8 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, 3 मैगी क्यूब मसाला या मैजिक मसाला या एरोमेट्स जो भी आपके पास है आप उसे डाल दीजिए। आधा कप पानी का मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक्चुअली आपको दिखाने के लिए मैंने एक पैन का इस्तेमाल किया था, आप चाहें तो डायरेक्ट इसको प्रेशर कुकर में ही बनाएं। अब गैस की फ्लेम ऑन कर लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब पानी हमारा बॉयल हो चुका है, इसमें हम राइस डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, राइस को आपको पूरा नहीं पकाना है, राइस को केवल 70% ही पकाना है और बाकी का राइस हम प्रेशर कुकर में पकाएंगे। राइस को ओवर कुक नहीं करना है। राइस को अगर आप ज़्यादा पका देंगे तो आपका राइस सॉल्टी और सॉगी हो जाएगा। राइस को सीधे प्रेशर कुकर में सब्जियों के ऊपर डालना है और प्रेशर कुकर को हमको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ऊपर से डाल देंगे हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन और इसका ढक्कन लगा के इसको 2 सीटी तक पका लेंगे। 2 सीटी आते ही राइस को निकाल लें, ठंडा होने दें और ये देखिए तैयार है आपका बनके चाइनीज राइस। दोस्तों, मैं जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ वो पूरी तरह से टेस्टेड होती हैं और इसीलिए आप इसे कॉन्फिडेंस के साथ घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान सा तरीका है चाइनीज राइस बनाने का। तो आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए और हाँ, पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।